बहुत ही सत्कारयोग भारतीय किसान यूनियन के सारे दर्जा बदर्जा सत्कारयोग आगू लीडर वर्कर साढ़े जिले के प्रधान साहब साहब जसवीर सिंह जी लिट्टा सारे पहला फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। जो अज तुम ये एक मेमोरेंडम देन जा रहे हो सारे सूबे के चुने हुए नुमाइंदे साढ़े सिर मत्थे पे है। इहदे च जिन्नियां भी मंगा पड़िया गई बड़िया जायज बड़िया ढुकवियां और बड़िया लोड़ींदियां मंगा ने और हाल ही विच इन्हां सारियां मंगा नूं जो दिल्ली विच जिस तरह के नाल सारे पंजाब के लोगों ने बहादुर लोगों ने सारे वर्गों के लोगों ने सारी दुनिया च बैठे किसान हितैषी लोगों ने अपने इस अंदोलन का बहुत वड्डा समर्थन किया। वाहेगुरु की कृपा के नाल वह अंदोलन आप जित के उत्थों तिने काले कानून रद्द करा के क्योंकि जो आप दिल्ली की पार्लियामेंट से दिल्ली की सरकार के तीन काले कानून रद्द कराए ने आ जिहड़ियां मंगा ने उन्होंने मुकाबले तो बहुत छोटियां ये साडे सूबे की सरकार ये सारिया गल्लां जे 100% नहीं तो 50% 70% 80% मंगा मनण योग ने। सो मैं तुहानू कहना चाहना कि जितों तक मेरा तअल्लुक है ये सारिया मंगा जिहड़ियां मैं पंजाब की विधानसभा के सदन के विच रखांगे। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी विरोधी धिर विच होके हमेशा कहिंदी सी कि असीं हर सदन का सैशन असीं लाइव टैलीकास्ट कराया करांगे ताकि तुसीं भी लोग सारे देख सको कि उत्थे तुहाडे नुमाइंदे की बोलते हैं किहड़े किहड़े लोग किसानां दे हक च बोलते हैं किहड़े पंजाब दे लोकां दे मुद्दे उठाउंदे ने। और जदों असीं इह जिहड़ा तुहाडियां मंग पत्र आ इह इक तां मैं अपने वल्लों इहदे नाल एक नोट ला के जिहड़े मुख्यमंत्री पंजाब दे उन्हां नूं इक अद्धे दिन च ही भेज दूंगा। इस तों इलावा जिन्ने कोई सवाल बणदे होणगे असीं अपनी पार्टी दे विच एमएलए सारे आपस में वंड के उन्हां नूं सवालां दी शक्ल विच मिलावांगे। एक साडे कोल अधिकार हुंदा वा एमएलए से कोल के असीं कॉल अटेंशन मोशन कॉल अटेंशन मोशन का इस्तेमाल करके भी असीं पंजाब दी विधानसभा च मते रखांगे। एक होर बड़ा इंपोर्टेंट इशू हुंदा जे कि सारे पंजाब दे काम नूं रोकिया जावे पहलां उन्हूं कहिंदे ने अडजर्नमेंट मोशन अडजर्नमेंट मोशन का भी अधिकार का इस्तेमाल करके किसानां दे ते खेत मजदूरां दे जिहड़ियां जायज़ गल्लां ने उह असीं पंजाब दी विधानसभा विच रखण दा उपराला पूर्ण तौर ते करांगे। इह मैं तुहानूं भरोसा दिवाउण वास्ते इत्थे अज आया वां। मजमूई तौर ते किसानी जिहड़ी आ इस देश विच पिछले काफी दहाकियां तों जदों दा देश आजाद होया इहनूं पूरा इहदा बणदा मान सत्कार नहीं मिलिया। जे आपां अज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की गल करदे आ ते महंगाई पत्ते जो महंगाई का दर चल रही अच अगर देश दीआं सरकारां ने सानू जायज भा दिते हुंदे ते ना इत्थे खुदकुशियां होणियां सी ना इत्थे पंजाब दे किसान ते लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा होना सीगा। ते इह जिहड़ा वितकरा होया इह असल विच इह मिथके होया वा उह आपां नूं सब नूं अनपढ़ ते गुलाम देखना चाहुंदे ने देश की सरकार क्योंकि आपां पेंडू तबका वा और थोड़े चंद बंदियां दे हत्थां दे विच राज रहा वा। वैसे तो एक बहुत इंपोर्टेंट इंटरनेशनल एक रिसर्च हुई है हुणे मनीष की नाम से उस संस्था ऑक्सफैम हाँ एक ऑक्सफैम एक संस्था वा इंटरनेशनल उन्होंने ना जिहड़े गरीब देश ने जिदा भारत आ श्रीलंका बंगलादेश पाकिस्तान इन्हां देशां दा एक बहुत डूंघाई दे नाल रिसर्च कीती आ कि इत्थे जिहड़ा जिहड़ी गुरबत इहदे कारण की आ। अक्सर सारे लोग मेहनत करते हैं सारे लोग टैक्स देंगे ने अपनी अपनी शक्ल में तुसी जो छोटिया चीजा भी लेने हो जड़े चलो किसान टैक्स नहीं देंगे पर आप जो भी खरीद करते हैं साबण तेल गड्डी मोटर मोटरसाइकिल स्कूटर ट्रैक्टर सारिया चीजा टैक्स देने टैक्स देने के बावजूद साडे देश में इन्नी ज्यादा गुरबत क्यों है। तो वह जी ऑक्सफैम रिपोर्ट है उन्हें यदा खुलासा किया कि इस देश में कभी भी मैं दोबारा कह रहा कहना कभी भी इतने एकसारता ते बराबरता नहीं आऊगी क्योंकि इस देश विच सिर्फ 1% लोगों ने दोबारा सुन लो चंगी तरह ना सिर्फ 1% लोगों ने इस देश के 73% सरमाए ते कब्जा किया होया वा ते गरीब ते अमीर का पाड़ा तो बदना ही बदना वा सिर्फ 1 पैसे
एक पैसे विच आपां जिहड़े मशहूर नाम सुनते जिहड़े बहुत अमीर आदमी ने जिहड़े पूंजीपति ने आ अडानी ते अंबानी ते जिहड़े वड्डे ताकतवर ने उस 1% विच जिहड़ा चिट कपड़िया माफिया भी है जिहड़े पोलिटिकल आदमी ने जिन्हां नूं तुसीं भेजदे तां हैगे आ सेवा भावना दे नाल ते ओह जाके उत्थे अपने व्यापार करदे ने ਇਹ ਉਸ 1% ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ लेकिन इन्होंने भी कसर नहीं छी किसी निशाने ते ही नहीं गए ये किसी गिनती च ही नहीं आते सो 1% में लोग शुमार ने जिन्होंने साडे देश नूं लुटदे 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 इस पद्धर ते पहुंच गए कि 130 करोड़ आबादी जी उहदे च अज भी लोग बहुत सारे हिस्से ने देश दे जिथे बिना कपड़िया तो ने औरतां बिना पढ़ाई तो ने बच्चे बिना रोटी तो ने लोग बहुत बुरी हालत है ताइयों करके जिहड़ा इह माओवादी लहर उठी आ 7-8 सूबिआं दे विच क्योंकि जो आदमी का पेट खाली आदि कुछ है ही नहीं खाण पीन लड़ उदा मरना लड़के मरना चंगा समझते हैं लोग यह सारी इस वितकरे की देन है और जिहड़ा यह किसान जिहड़ा मैं स्वामीनाथन का जिक्र कर रहा सी सारे बड़े पुराने सियाने बंदे लोग के बैठे हो मैं लगता 50-60 साल पहला सोने का भा कढ़ लो तो उदों नहीं कणक का भा कढ़ लो जे साढ़े कणक का फसल का भा अज भी सोने के नाल कनैक्ट करके रखिया हुंदा ते अपने ते किसी ते करदा नहीं सोना उही सोना जिहड़ा उदों 500-400 रुपए नूं तोला होगा वह हुण 50,000 नूं तोला वा ते जिहड़ी साडी कणक उदों 250-250 पता नहीं किन्ने नूं क्विंटल होगी वह कुछ भी नहीं वधी तनखाहां भी बहुत वधियां ने मैं कोई मुलाजमां दे खिलाफ नहीं गा चलो साडे भरा ही ने अपने चों भी कई लोग मुलाजम होणगे पर मुलाजमां भी पे कमीशन बिठा के बिठा बिठा के बहुत तनखाह वधियां ने सिर्फ जे कुछ नहीं वधिया फिर वह खेती दे आमदन नहीं बने जिदे करके सारी समस्या वा जिदे करके बेचैनी है जिदे करके अज साडा देश जिहड़ा वा वह पछड़े हुए देशों विच ते साडा बहुत वड्डी आबादी जिहड़ी दुनिया च आपां सारे जिहड़े अपने बच्चे ने वह भज्जे ही जांदे ने ते मैनूं लगदा वा कि जे इदां ही तुरदे रहे ते मैं अपनी पार्टी च कल परसों गल रखी आ कि बाकी सारे काम छड्ड के एक आपां नूं एक सदन दे विच एक नवा एक्ट लिया चाहिए पंजाब की विधानसभा विच अपनी आबादी की इथों जो माइग्रेशन हो रही है इनू रोकण वास्ते ते पंजाब की जिहड़ी डेमोग्राफिक सिचुएशन कहिंदे ने उहनू आबादी की सिचुएशन जिहड़ा आबादी का संतुलन है ये बिगड़दा जा रहा वा आपां लोग सारे कनेडा अमरीका ते दूजे देशां जा रहे साडी थां दे उत्ते गैर पंजाबी आ रहे मैं किसी गैर पंजाबी दे उल्ट नहीं गा एक देश आ रोटी कमाओ सब कुछ करो पर हिमाचल प्रदेश अते राजस्थान इन्हां सूबिआं दे विच कोई बाहरला बंदा आण के कोई जमीन नहीं खरीद सकदा बगैर मंजूरियां तो कोई आण के किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकदा आण के हर एक गल की मंजूरी लैनी पैंदी है टैक्स देना पैंदा पैसे जमा कराने पैंदे आ ते जे आपां इह ना रोकिआ ते मेरी गल याद रखो 25 सालां विच वैसे ही पंजाब दे खास तौर ते सिख तबका घट गिनती चाहू 25 साल लगने बस ये तो ज्यादा नहीं लगने तुम अपने अपने पिंड जगह मार लो गलिया की गलिया खाली ने पिंडा के पिंड खाली मेरी पार्टी के लोगों ने इनका सहमति जताई है माड़ा मोटा लोगों का राय का कोई डिफरेंस हो सकता पर मैं उन्होंने दसता कि यह करना बहुत जरूरी और हिमाचल ने किया पहला राजस्थान ने किया वा वो ये नहीं गा कि इतने जोड़ा मर्जी आया तो जो दिल किया मकान बना लिया तो थोड़ा जमीन का टोटा ले लिया तो इतों के बछिंदे बन गए ते मुड़ के फिर राज उन्हां दा होगा अपना किसी का राज नहीं आपां अपने राज भी इंसाफ नहीं ले पा रहे साडे बंदे मुख्यमंत्री बनते ने साडे बंदे मंत्री बनते ने मुड़ के बन तो बाद पुलिस के डंडे भरांदे ने कल परसों बरनाले जिहड़ा बनिया विद्या मंत्री कल औरतों का मां का दिन सीगा कल उत्थे बेचारे जिहड़े PTI फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हुंदे आ जिहड़े वह 646 बंदे पता नहीं किन्ने सालों का अपना नौकरी भालदे आ उहदे घर दे बाहर बैठे से पुलिस सद के वह डंडा परेड की उन्होंने लोगों ने मैं चंगा तोहफा दिता इन्हां नूं बेचारां मां दे दिन दे आले दिन दे सो यह तो साडी इस वक्त सिचुएशन है एक गल जिहड़ी तुसीं मंगां दे विच लिखी आ क्योंकि हुण ताज़ी गल आ रही है कि झोने की बिजाई जिहड़ी आ वह असीं उत्थे उदण मैं रखी सी
मीडिया के सामने भी मैं दोबारा फिर रखूंगा कि इन्होंने एक तरफा ही फैसला ले लिया। जहां तक किसान जिथे किसानी की गल आ उत्थे इन्हां दा फर्ज बनता जी किसान की जथेबंदियां मीटिंग सद्दे उन्हां नूं पुछदे भी तुहानूं दसो झोना किदां सूट करदा कि डेट नूं। आपे ही चार जोनां विच वंड के ते गुरदासपुर ते तरनतारन नूं लाता 24 जून 26 जून हुण 26 जून नूं तां जिहड़ा झोना पक्केगा जाके उदों तां बहुत ज्यादा आ जाती नमी आ जाती मौसम सर्दी होण लग जाती है पहाड़ां दे लागे धुंद हो जाती है आपां नूं भी लगता सारा इत्थों पहाड़ लगते ने कंढी दा इलाका लगता ठंड आ जाता झोना नमी च आ जाता झोने का जरा झाड़ घट जाना जरा अग लगती उस बाद नाड़ बहुत ज्यादा धुआं पैदा करता कि यह धुआं चाहते ने फिर सानू कहे धुआं लैके आ गए जी साडा पता नहीं पंजाब का धुआं हरियाणा टप के कि चल जाता खरे बक्से च पा के छड्डे उन्हें दिल्ली। सो यह सब पखंडवाद करते हैं। सो यह सारिया गल्लां जिहड़ियां तुसीं कीतियां बड़ियां वाजिब ने यह असीं सारिया गल्लां असीं अपनी पार्टी के जरा अगली मीटिंग हो उहदे च भी रखांगे और चीफ मिनिस्टर नूं लिखांगे ते नाल जिथे साडा मौका मिलेगा मीडिया दे विच वी हमेशा सारियां गल्लां पहलां दी तरह मैं रखदा रहूंगा। तुहाडा सारिआं दा बड़ा मशहूर है कि तुसीं मैनूं इज्जत दिंदे हो तुसीं मेरा माण करदे हो तुसीं भावें किसे पार्टी तुलक रखदे हो तुसीं हमेशा मेरी रिस्पैक्ट करदे हो तुसीं मेरे जो मेरा बणदा सी योगदान मैं उत्थे किसानी अंदोलन च पाया चाहे उह नौजवान वर्गा सी नवरीत डिबडिबा चाहे उहदी गल कर लईए आपां ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਚਾਹ ਪਲਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ धन्यवाद करता और मैं कम्मा की शिकल ची मोड़ के दिखाने का उपराला करूंगा और मैं सब तों यह कहना चाहना कि यह जिहड़ियां हुंदियां ने पार्टियां वगैरह सारा यह बहुत छोटी जी चीज है। जदों बंदा कोई इलैक्ट होकर विधानसभा दे विच पहुंच जांदा उह फिर सब दा ही MLA हुण मैं कल्ला कांग्रेस दा MLA नहीं मैं सारे जिहड़ा 125,000 वोट लिया साडे हलके दा सब दा MLA बल्कि सारे पंजाब दा MLA और जे किसी नाल ज्यादती हुंदी है मैं कदी यह नहीं कि मैं पिछे बैठ के मूक दर्शक बन के बैठा रहा वा तां मैं कुछ नहीं कीता मैं हमेशा उहदी आवाज उठाउणा वा और इदां ही मैं तुहाडा सारियां गल्लां मुद्दे उठाउंदा रहूंगा तुहाडा सारिआं दा दर्जा बदर्जा धन्नवाद करदा एक बार प्यार नाल फतेह बुला दिओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।